ये तुगलक वंश है ना, तुगलक वंश में 8 शासकों ने शासन किए। आठों शासकों का नाम और कार्यकाल जरूर से जरूर ध्यान में रखना है। पहला शासक तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक। कार्यकाल 1320 से 1325। ओके, फिर दूसरा और सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 से 1351। तीसरा फिरोज शाह तुगलक, 1351 से 1388, फिरोज शाह तुगलक। ओके, उसके बाद चौथा जो था वह था गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, 1388 से 1389, 1 साल ही शासन किया। इसके बाद अबू बकर शाह, 1389 से 1390। फिर नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, 1390 से 1394। अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 में आया, 1394 में चला गया, 6 सप्ताह ही शासन किया। और तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद शाह। तो 8 शासकों का नाम प्लस कार्यकाल जरूर से जरूर ध्यान में रखना होगा। ओके, अब हम लोग आगे देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश का संस्थापक था, है ना। दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंशों ने ही सबसे अधिक समय तक शासन किया था। इसको ध्यान में रखना है कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन था, तो तुगलक वंश सबसे अधिक समय तक शासन किया। कब से कब तक, तो 1325, यहाँ पर देख लीजिए 1325, और यहाँ देखिए 1412, 1325 और 1412, 13 साल कम लगभग 100 साल शासन किया तुगलक वंश सबसे अधिक समय तक, इसको ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद जो है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन तुगलक। ओके, गयासुद्दीन तुगलक का जो मूल नाम था वह था गाजी मलिक। गाजी मलिक नाम से यह प्रसिद्ध था। गाजी मलिक इसको क्यों कहा गया, तो मंगोल को यह पराजित किया था। मंगोल आक्रमण बहुत ज्यादा होता था, तो मंगोलों को यह कई बार पराजित किया था, और इस कारण इसको इसका उपाधि मिल गया मलिक उल गाजी। मलिक उल गाजी से ही गाजी मलिक नाम पड़ गया। तो ये समझ में आ गया कि गाजी मलिक क्यों कहा गया गयासुद्दीन तुगलक को। तो आंसर क्या होगा कि चूंकि यह मंगोलों को पराजित किया था इसलिए इसको गाजी मलिक कहा गया। गयासुद्दीन तुगलक जो था वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था या सुल्तान था जो नहर बनवाया था। नहर पहली बार गयासुद्दीन तुगलक के काल में ही बनाया बनाया गया था, इसको ध्यान में रखना था। गयासुद्दीन तुगलक के काल में एक बहुत ही महान चिश्ती सिलसिले के संत थे निजामुद्दीन औलिया, जो कि आमिर खुसरो के गुरु भी थे, है ना। गयासुद्दीन तुगलक जो है वह निजामुद्दीन औलिया को आदेश भिजवाया कि हम अभी दिल्ली में नहीं हैं, और दिल्ली मेरे दिल्ली आने तक आप हमारे दरबार में उपस्थित हो जाइए। कौन कहा, गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया को आदेश भिजवाया कि मेरे दिल्ली आने तक आप मेरे दरबार में उपस्थित हो जाइए। तो निजामुद्दीन औलिया क्या कहता है, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है, और यह कहा कहे निजामुद्दीन औलिया, और गयासुद्दीन तुगलक कभी दिल्ली आ ही नहीं पाया, है ना। दिल्ली आने के पहले उसकी मृत्यु हो गई, षड्यंत्र में फंसकर उसकी हत्या कर दी गई। आगे देखेंगे कैसे और क्यों हत्या की। तो ये वर जो है निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक को संबोधित करके कहा था हुनूज दिल्ली दूर अस्त। ओके, गयासुद्दीन तुगलक ने उदारता की नीति को अपनाया, है ना। जो शासन कार्य करना शुरू किया, लगभग 5 साल जो शासन किया गयासुद्दीन तुगलक हुआ, तो उदारता की नीति को अपनाया इसलिए। और बर्नी जो है जियाउद्दीन बर्नी जो उस समय का विद्वान था, दरबारी कवि भी था, वह गयासुद्दीन तुगलक के इस उदार नीति को मध्यपंथी नीति या रस्म ए मियानी कहता है ना। रस्म ए मियानी मतलब कि गयासुद्दीन तुगलक जो है वो अपने शासन काल में शासन का जो पद्धति था
उसमें वह उदारता अपनाया है कि हम उदारवादी तरीके से शासन करेंगे। बर्नी इसको कहता है रस्म ए मियानी, यानी कि मध्यपंथी नीति को कौन अपनाया था, ग्यासुद्दीन तुगलक, इसके बारे में चर्चा कौन करता है, तो जियाउद्दीन बर्नी इसके बारे में करता है, रस्म ए मियानी के बारे में कहता है। ओके, ग्यासुद्दीन तुगलक जो है वह ग्यासुद्दीन तुगलक अपने काल में, अपने शासन काल के में दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक नगर बसाया था और 56 कोट नामक दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये दो निर्माण कला था ग्यासुद्दीन तुगलक के शासनकाल का, ध्यान रखेंगे, तुगलकाबाद नामक शहर बसवाया और 56 कोट नामक नगर बनवाया था ग्यासुद्दीन तुगलक, है ना। 1325 में ग्यासुद्दीन तुगलक का पुत्र था जूना खान, जो आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया, तो इसका पुत्र था, ग्यासुद्दीन तुगलक का अपना पुत्र था जूना खान। वह है ना षड्यंत्र में फंसा कर अपने पिता ग्यासुद्दीन तुगलक की हत्या कर देता है। अफगानपुर के निकट जो है ग्यासुद्दीन तुगलक की हत्या कौन किया, साजिश और षड्यंत्र में फंसा कर उसका अपना पुत्र जूना खान, जो कि बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया, वह अफगानपुर के निकट अपने पिता ग्यासुद्दीन तुगलक की हत्या कर देता है षड्यंत्र में फंसा कर। तो ग्यासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल ध्यान में रखेंगे कब से कब तक था, तो 1320 से 1325 तक ग्यासुद्दीन तुगलक शासन किया। इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है, तो यह पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जो कि नहर बनवाया था दिल्ली में। ओके, ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद जो उसका पुत्र था जूना खान, है ना, वह मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत का शासक बना। ठीक है, यह अपने पिता का हत्यारा था, पिता को मार करके गद्दी पर आसीन हुआ था। इसका कार्यकाल ध्यान में रखेंगे 1325 से 1351। ठीक है, इसका मूल नाम था उलुग खां या जूना खां के नाम से जाना गया, उलुग खां या जूना खां, है ना। दिल्ली सल्तनत का यह सबसे पढ़ा लिखा और सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था। सबसे पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। और बहुत ही अपने पूरे शासन काल के दौरान यह हमेशा विवादित रहा मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। इसका अलग अलग नाम से लोग पुकारते थे, क्या नाम था, तो रक्त पिपासु, है ना, पितृहंता, पिता को मारने वाला, सनकी या पागल सुल्तान। सनकी या पागल सुल्तान कौन कहा था, तो एल्फिनिस्टन कहते हैं कि यह दिल्ली सल्तनत का पागल सुल्तान था। विरोधों का मिश्रण, मुद्रा का राजकुमार इत्यादि नामों से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना गया। ये नाम सब जरूर ध्यान में रखना है, रक्त पिपासु, पितृहंता, शनकी या पागल सुल्तान, विरोधों का मिश्रण और मुद्रा का राजकुमार किसको कहा गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक का अन्य नाम था। ओके, 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मोरक्को निवासी इब्न बतूता भारत आया था, है ना, इसके दरबार में आया था। कब आया था, तो 1333 में। कहाँ का निवासी था इब्न बतूता, तो मोरक्को का निवासी था। 1333 में यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया, मोहम्मद बिन तुगलक उसको सम्मानित किया और इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। काजी मतलब न्याय देने वाला, काजी नियुक्त किया दिल्ली का। और 1342 में अपना दूत बनाकर चीन भेजा था, है ना। यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो अपना राजदूत चीन में भेजा था। किसको बनाया था, तो 1342 में इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इब्न बतूता के द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी, किताब उल रेहला। किसकी पुस्तक है, तो इब्न बतूता का। और इब्न बतूता ही कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक पितृहंता था, पिता को मारने वाला पितृहंता मोहम्मद बिन तुगलक को कौन कहता है, तो इब्न बतूता। कहाँ का निवासी था, मोरक्को का निवासी था। कब आया था, 1333 में आया था। दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। कब चीन में राजदूत बनाकर भेजा गया,
तो 1342 में चीन में राजदूत बनाकर भेजा गया। इब्न बतूता के पुस्तक का क्या नाम था? किताबुल रेहला, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक। मोहम्मद तुगलक अपने शासन काल के दौरान हमेशा विवादित रहा। वह अपने शासन काल के दौरान 5 प्रमुख महत्वाकांक्षी योजना को चलाया था। 5 प्रमुख महत्वाकांक्षी योजना को जरूर से जरूर ध्यान में रखना है। पहला महत्वाकांक्षी योजना था दुआब में कर वृद्धि। दूसरा था दिल्ली से देवगिरी को राजधानी बनाना। तीसरा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना। चीन के शासक कुबलई खां और फारस के शासक गैखातू खां से प्रेरित होकर मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा को चलाया था। चौथा खुरासन अभियान और पांचवा कराची अभियान। ये 5 योजना चलाया। दुआब में कर वृद्धि यानी कि जो गंगा यमुना का जो क्षेत्र था वहाँ रहने वाले लोगों के कर में वृद्धि कर दिया था। दूसरा मंगोल आक्रमण से बचने के लिए ये अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद को किया था, है ना, दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद को किया था। तीसरा या चीन के शासक कुबलाई खां और फारस के शासक गैखातू खां से प्रेरित होकर सांकेतिक मुद्रा तांबे का चलाया था। और पांचवा चौथा खुरासन अभियान और कराचिल, ये सीमावर्ती प्रदेश में खुरासन और कराचिल जगह था, वहां पर अभियान करना चाहता था। ये 5 योजना मोहम्मद बिन तुगलक का पूरी तरह से असफल हो गया। कोई भी योजना सफल साबित नहीं हो पाया। 5 योजना चलाया मोहम्मद बिन तुगलक। हालांकि ये योजना बिल्कुल खराब नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि अगर समय किसी के साथ नहीं है तो वह सफल नहीं हो सकता है। यही बात मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी रहा। यह पढ़ा लिखा इंसान था लेकिन समय इसके साथ नहीं था। जो भी योजना चलाया वह सारी योजनाएं इसके काल में असफल हो गई। सारी योजना, 5 योजना, 5 योजना को उंगली पर याद रखना है। दिल्ली में दुआ में कर वृद्धि, दिल्ली से देवगिरी राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा चलाना, खुरासन अभियान और कराची अभियान। 5 योजना मोहम्मद बिन तुगलक का पूरी तरह असफल हो गया, है ना। इसके काल में जो है सबसे अधिक विद्रोह हुआ, क्योंकि जो भी या नीति बनाता था, जो भी पॉलिसी बनाता था वो असफल हो जाता था, ठीक है। इसके काल में सबसे ज्यादा विद्रोह का सामना करना पड़ा, है ना। मोहम्मद तुगलक के काल में सबसे अधिक विद्रोह देखे 34 विद्रोह हुए। 34 विद्रोह में से अकेले 27 विद्रोह दक्षिण भारत में हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। इसके शासन काल में दक्षिण भारत में कई राज्य स्वतंत्र हो गया। दक्षिण भारत में कई राज्य स्वतंत्र हो गया। 3 और स्वतंत्रता के बाद 3 प्रमुख नए स्वतंत्र राज्यों की स्थापना दक्षिण भारत में की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। इसमें सबसे प्रमुख 2 राजवंश था, वह विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य जो है वह दिल्ली सल्तनत के काल में स्थापित पहला हिंदू साम्राज्य था, क्योंकि चारों ओर उस समय मुस्लिम शासन था। तो पहला हिंदू साम्राज्य जो मुस्लिम एज में स्थापित हुआ था वह था विजयनगर साम्राज्य। हरिहर एवं बुक्का के द्वारा स्थापित किया गया था, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। दूसरा, विजयनगर साम्राज्य के पास ही पड़ोसी साम्राज्य स्थापित हुआ बहमनी सल्तनत, है ना, संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह। और तीसरा मदुरई साम्राज्य। तो ये 3 में से 2 सबसे प्रमुख स्वतंत्र राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में हुई, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के काल में की गई। इसके काल में सबसे ज्यादा विद्रोह देखना पड़ा, 34 विद्रोह हुआ, 34 में से अकेले 27 विद्रोह दक्षिण भारत में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपने शासन काल के दौरान क्या कार्य किया, तो एक कृषि विभाग की स्थापना की, दीवान ए अमीर को ही, है ना, दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना किया। कृषि की देख रेख करने के लिए एक अलग विभाग स्थापित करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को एक अन्य उपाधि मिली थी, क्या उपाधि थी देख लीजिए,
अल सुल्तान जिल्ले इलाही, अल सुल्तान जिल्ले इलाही दिल्ली सल्तनत के किस शासक को कहा गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक, अल सुल्तान जिल्ले इलाही। मोहम्मद बिन तुगलक दो जगह निर्माण कार्य करवाया, अदिलाबाद का किला बनवाया और जहां पनाह नगर का निर्माण करवाता, अदिलाबाद और जहां पनाह नगर का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक करवाता है। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो धर्मनिरपेक्षता की भावना के तहत वह शासन किया, एक धर्मनिरपेक्ष शासक साबित हुआ था। यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने हिंदुओं के पर्व होली में भाग लिया था, होली में यह खुद भाग लिया करता था मोहम्मद बिन तुगलक। जैन विद्वान जीन प्रभास सूरी को यह सम्मान दिया था, है ना। चीनी शासक तोगन तिमुक को हिमाचल प्रदेश में बौद्ध मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुमति दिया था और दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे का निर्माण करवाया था। इससे पता चलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक धर्मनिरपेक्ष शासक साबित हुआ, वह सभी धर्मों को साथ में लेकर चलने का प्रयास किया था मोहम्मद बिन तुगलक। तो यह कहीं से यह पागल सुल्तान नहीं था, कहीं से बुरा इंसान नहीं था, वह अच्छा शासन कार्य करना चाहता था लेकिन समय उसका साथ नहीं दिया और इस वजह से उसका सारा कार्य, सारी योजनाएं असफल हो गई, है ना। यह एक विद्वान शासक था, जैसे कि हम चर्चा किए कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक था। इसने इंसा ए महरू नामक एक पुस्तक की रचना की थी। इंसा ए महरू किसकी पुस्तक है? तो मोहम्मद बिन तुगलक की पुस्तक है। 1351 ईस्वी में सिंध जाते समय थट्टा जगह है सिंध में, थट्टा नामक जगह पर उसकी मृत्यु हो गई, है ना। इसके मृत्यु की खबर सुनकर एक विद्वान था, इसका दरबारी था बदायूनी, क्या नाम था? बदायूनी। वह कहता है सुल्तान को प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। कौन कहता है, किसके बारे में कहता है? तो बदायूनी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु की खबर सुनकर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहता है कि सुल्तान को प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सबसे अधिक विद्रोह का सामना करना पड़ा, जो भी योजना चलाए असफल हो गया। इसके तो यह मोहम्मद तुगलक एक बार कहा था कि मेरा राज्य बीमार हो गया है, इधर ठीक करते हैं तो उधर खराब हो जाता है, उधर ठीक करते हैं तो इधर खराब हो जाता है। यानी कि चारों ओर विद्रोह इसके काल में हो गया। विद्रोह होने का रीजन यही था कि वह सही तरीके से योजना को क्रियान्वित नहीं कर पाया, समय के अनुसार नहीं चल पाया और इस वजह से सारी योजनाएं, सारा कार्य इसके काल में जो भी हुआ था वह असफल हो गया। और इसको देखकर ही एल्फिनिस्टन कहता है कि यह पागल सुल्तान था, क्योंकि यह सांकेतिक मुद्रा चलाया था तांबे का, है ना। और इसलिए इसको कहा गया मुद्रा का राजकुमार। किसको कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक, इसका शासन काल जरूर से जरूर ध्यान में रखना है, 1325 से 1351 इसका शासन काल रहा था। ओके, ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में देख लेते हैं। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के उपरांत, है ना, इसका भाई फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है, सुल्तान बनता है फिरोज शाह तुगलक। इसका कार्यकाल याद रखेंगे 1351 से 1388 फिरोज शाह तुगलक, है ना। चूंकि यह हिंदू माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, है ना, और उस समय चूंकि यह हिंदू माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ था तो हिंदू हो गया। चूंकि और वहाँ उस समय क्या था कि पूरे मुस्लिम राजवंश में मुस्लिम धर्म गुरुओं का वर्चस्व था, है ना। तो वह मुस्लिम धर्म गुरु को प्रभावित करने के लिए, है ना, यह दर्शाने के लिए कि हम एक सच्चा मुसलमान है, हिंदू माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं लेकिन एक सच्चा मुसलमान है, यह दर्शाने के लिए यह हिंदू विरोधी नीति को चलाया। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था जो हिंदू विरोधी नीति को चलाया था, है ना। इसने कौन सा उपाधि ग्रहण की? तो कासिम अमीर उल मोमिन और सैयद उस सलातीन, किसको कहा गया? फिरोज शाह तुगलक को।
इसका प्रधानमंत्री बहुत ही योग्य था, इसलिए इतिहास में इसका नाम दर्ज है। इसके प्रधानमंत्री का नाम था खान ए जहां मकबूल। खान ए जहां मकबूल किसका प्रधानमंत्री था? तो फिरोज शाह तुगलक का प्रधानमंत्री था। फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में जो है क्या क्या कार्य हुआ, एक नजर में देख लिया जाए। तो इसने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया, जो जनता को कष्ट देने वाले जो कर थे उसको समाप्त कर दिया, और केवल 4 कर राज्य में लेने की अनुमति दिया। इसने जजिया कर जो है ब्राह्मणों से भी वसूला। यह पहला मुस्लिम शासक था, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला वसूला था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इसको ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है। तीसरा, इसने हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लिया, है ना, सिंचाई कर भी यह लिया। सिंचाई कर का नाम ध्यान में रखना है। हक ए सर्व कितना लिया? 1/10 भाग सिंचाई कर लिया। इसने सिंचाई हेतु नहरों का जाल स्थापित किया था, है ना, पूरे दिल्ली में नहर निर्माण करवाया कई जगहों पर फिरोज शाह तुगलक। इसने फिरोजाबाद, जौनपुर, कोटला, हिसार जैसे नए नगर को स्थापित किया। इसमें सबसे प्रसिद्ध नगर था जौनपुर, है ना, यूपी में पड़ता है। इस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक किया था। इसने टोपरा एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ लेखों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया था, है ना। इसने टोपरा एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ को लाया और दिल्ली में स्थापित किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक रोजगार दफ्तर की स्थापना करवाया था, रोजगार कार्यालय की स्थापना करवाया था, और एक दान विभाग, गरीबों को दान देने के लिए दीवान, एक खैरात विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक करवाया था, ताकि गरीबों को समय समय पर राज्य की ओर से दान दिया जा सके। ठीक है, राज्य की ओर से दान दिया जा सके। इसने जो है दार उल सफा नामक अस्पताल का कई जगहों पर निर्माण करवाया। सल्तनत काल का यह पहला सुल्तान था जिसने पोस्टमार्टम विभाग की स्थापना की। बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, पोस्टमार्टम विभाग की स्थापना करने वाला पहला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। इसके काल में सर्वाधिक 1,80,000 गुलाम थे। गुलामों की संख्या सबसे ज्यादा फिरोज शाह तुगलक के काल में थी। तो गुलामों को सहायता देने के लिए एक गुलाम विभाग स्थापित किया, दास विभाग स्थापित किया, जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। दास विभाग को दीवान ए बंदगान कहा गया। इसने राजकीय पदों को वंशानुगत कर दिया, जिसके कारण इसके प्रशासन में अव्यवस्था फैल गई और इकता प्रणाली को पुनः आरंभ किया। याद कीजिए, अलाउद इल्तुतमिश के द्वारा इकता प्रणाली की शुरुआत की गई थी और इकता प्रणाली को समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक क्या किया, इकता प्रणाली को फिर से आरंभ कर दिया, और जो पद था पद को वंशानुगत कर दिया कि पिता के बाद पुत्र ही उस पद पर बैठेगा, चाहे पुत्र योग्य हो या ना हो, पुत्र ही उस पद पर बैठेगा। तो वंशानुगत करने से क्या होगा, अयोग्य व्यक्ति भी उस पद पर बैठने लगा और इस वजह से प्रशासन में अव्यवस्था फैल गई। यह ध्यान में रखना है। इसने हज यात्रियों के लिए राजकीय खर्च पर हज यात्रा करने की व्यवस्था किया था फिरोज शाह तुगलक। ओके, इसने चांदी एवं तांबा को मिलाकर अद्दा और विक नामक सिक्का चलाया। अद्दा और विक सिक्का चलाया, अद्दा और विक चांदी और तांबे को मिक्स करके बनाया जाता था। यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने फतवाते फिरोजशाही नाम से आत्मकथा लिखी। बहुत ही महत्वपूर्ण, फतवाते फिरोजशाही नामक आत्मकथा लिखने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने आत्मकथा को लिखा था वह था फिरोज शाह तुगलक। पुस्तक का नाम ध्यान रखेंगे, फतवाते फिरोजशाही। किसकी आत्मकथा है? तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। इसके दरबार में तत्कालीन महान विद्वान बरनी रहते थे और जियाउद्दीन बरनी इसी के दरबार में रहकर तारीखे फिरोजशाही नामक एक ग्रंथ की रचना किए थे, तारीखे फिरोजशाही। ठीक है, इतिहासकार एल्फिनिस्टन कहता है फिरोज शाह तुगलक को कि यह सल्तनत युग का अकबर है ना, सल्तनत युग का
दिल्ली सल्तनत का अकबर किसको कहा गया? तो फिरोज शाह तुगलक को। या अपने शासन काल में हालांकि हिंदू विरोधी नीति चलाया, लेकिन जब तक शासन किया बेहतरीन तरीके शासन किया, कई अच्छे कार्यों को किया, इसलिए एल्फिनिस्टन कहता है कि यह दिल्ली सल्तनत का अकबर था। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। 1388 कार्यकाल ध्यान में रखेंगे, 1351 से 1388 इसका कार्यकाल रहा फिरोज शाह तुगलक। ओके, दिल्ली सल्तनत का अंतिम, तुगलक वंश का अंतिम महान शासक जो था वह फिरोज शाह तुगलक ही था। फिरोज शाह तुगलक के बाद जो है तुगलक वंश का पतन होने लगा 1388 ईस्वी में। केवल नाम देख लीजिए सुल्तान का, 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के मृत्यु के बाद गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय सुल्तान बना, या 1388 से 89 तक रहा। फिर अबू बकर 1389 से 90 तक सुल्तान रहा, या तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान नासुर, है ना, अबू बकर 1389 से 90 तक रहा, है ना। और 1300 तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? नासिरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, इसका शासन क्षेत्र, नासिरुद्दीन महमूद शाह का शासन क्षेत्र दिल्ली से पालम तक ही था। दिल्ली का एरिया है, दिल्ली से पालम तक था, इतना सिमट कर रह गया था नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासन काल में। इसके शासन काल में ही मलिक सरवर नामक एक हिजरे ने मलिक उस सर की उपाधि धारण किया, और जौनपुर नामक एक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। याद कीजिए, फिरोज शाह तुगलक जौनपुर नगर को बसाया था, और नासिरुद्दीन महमूद शाह के काल में जौनपुर जो है वह स्वतंत्र हो गया, दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया। और इसकी स्थापना कौन किया? तो मलिक सरवर यानी कि मलिक उस सर जौनपुर राज्य की स्थापना किया, और जौनपुर में सरकी राजवंश को स्थापित किया। सरकी राजवंश, जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा गया। पूर्व का सिराज बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, पूर्व का सिराज किसको कहा गया? जौनपुर। जौनपुर नगर कौन बसाया था? फिरोज शाह तुगलक बसाया था। जौनपुर नगर किसके काल में स्वतंत्र हो गया? तो नासिरुद्दीन महमूद शाह के काल में स्वतंत्र हो गया। 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासन काल में ही तैमूर लंग का आक्रमण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद शाह। 1398 में तैमूर लंग का दिल्ली पर आक्रमण हुआ। तैमूर लंग जो है मात्र 13 दिन दिल्ली में रहा, और दिल्ली में लूटपाट मचा दिया। तैमूर लंग के भय से नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली छोड़कर भाग गया। इतना कमजोर शासक था कि तैमूर लंग 15 दिन दिल्ली में रहा, और इसके भय से यह दिल्ली छोड़कर भाग गया। बाद में इसने, नासिरुद्दीन महमूद शाह का वजीर था मल्लू इकबाल, मल्लू इकबाल की सहायता से यह फिर से दिल्ली पर अधिकार कर लिया नासिरुद्दीन महमूद शाह। और 1412 ईस्वी में इस कमजोर शासक की मृत्यु हो गई। तुगलक वंश का यह अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद शाह। यह ध्यान में रखना है कि तैमूर लंग का आक्रमण 1398 में होता है, और उस नासिरुद्दीन महमूद शाह उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। तैमूर लंग जो है वह 15 दिन शासन किया था, 15 दिन सॉरी दिल्ली में निवास किया था। ठीक है, तो ये था आपका दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश, बेहद ही महत्वपूर्ण, है ना, खासकर मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में जितना कार्य हुआ वह सब को, एक एक चीज को देख, ध्यान से देखना है। दिल्ली सल्तनत अगर पढ़ रहे हैं तो दो राजवंश को बेहद ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी।